हेलो दोस्तों, मैं अमित उपाध्याय और आप देख रहे हैं एएस ऑटोमोबाइल। दोस्तों आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ जो टाटा इंट्रा V30 गाड़ी है उसमें ये लो प्रेशर फ्यूल सिस्टम प्रेशर टू लो ये फॉल्ट उठाने पे आप क्या करें। P008A ये फॉल्ट कोड लिख के आएगा और ये फॉल्ट कोड पे आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप दोस्तों ये जान लीजिए कि ये फॉल्ट कोड किस चीज़ का है। ये फॉल्ट कोड आने पर दोस्तों आप ECU फ्लैशिंग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ECU फ्लैशिंग करेंगे। ECU फ्लैशिंग कैसे करते हैं ये आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप ये वीडियो देखिए लास्ट तक, आपको मालूम पड़ जाएगा। लैपटॉप कनेक्ट कर लेंगे, लैपटॉप का देखेंगे जो USB वाला केबल है और जो आपके पास अगर गरुड़ा है या सेमटेक है जो भी है वो दोनों का लाइट उसमें जलना चाहिए। फिर उसके बाद CV फ्लैशिंग ओपन कर लेंगे। CV फ्लैशिंग ओपन करने के बाद कौन सी गाड़ी है वो मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। इंट्रा का कौन सा मॉडल सेलेक्ट करते हैं ये आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करके लेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि इंट्रा का फ्लैशिंग कैसे करते हैं। और उसके बाद VC नंबर इसमें कौन सा डालेंगे। VC नंबर अगर दोस्तों आप सबको नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि VC नंबर ये ऑनलाइन स्पेयर पार्ट से आप निकाल सकते हैं। स्पेयर पार्ट के ID से स्पेयर पार्ट का जो लड़का होता है उसकी ID से निकाल लेंगे। अगर VC नंबर भी आपको निकाल के चाहिए तो आप मुझे उसका गाड़ी नंबर बताइए, मैं उसका VC नंबर निकाल के दे दूंगा, या फिर चेचिस नंबर बताइए, चेचिस नंबर से मैं निकाल के दे दूंगा। ओके दोस्तों, फ्लैशिंग करने के लिए VC नंबर डालना ज़रूरी होता है। अब उसके बाद फ्लैशिंग कर देंगे। फ्लैशिंग करने के बाद ये फॉल्ट कोड चला जाएगा। ये क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे ये फॉल्ट कोड आने पर क्या करें, इसके लिए स्पेशली उनके लिए वो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें। फ्लैशिंग कर देंगे। फ्लैशिंग करने के बाद गाड़ी सही हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। AS ऑटोमोबाइल अमित उपाध्याय।